अब्दुल राजिक जितना दिखने में छोटा है उतना ही ज्यादा समझदार भी है। पहले अब्दुल ने स्टैन को समझाया जब स्टैन थोड़ा सैड था, लेकिन आज अब्दुल ने सौंदर्या को समझाया कि अगर बिग बॉस में रहना है तो फिर दिखना भी होगा, क्योंकि बिग बॉस का जो शो है वो इसी तरीके का है कि आप जितना कैमरा के आगे दिखोगे उतना ही आप टिक पाओगे, क्योंकि जनता तभी आपको वोट करेगी। अगर सौंदर्या रूम में रहेगी, सैड रहेगी, सोई रहेगी, तो कोई कैमरा उसे नहीं कैप्चर करेगा, ये माइनस पॉइंट होगा सौंदर्या के लिए। दूसरा, अगर सौंदर्या सोई रहेगी बिना खाना खाए तो टाइड फील होगा, ये दूसरा माइनस पॉइंट बताया अब्दुल ने सौंदर्या का। और तीसरा बताया कि उसका असर दिमाग पर भी पड़ेगा। तो इस तरीके से छोटे से अब्दुल ने सौंदर्या को बहुत बड़ी बड़ी बातें आसानी से समझा दी कि बिग बॉस में रहना है तो दिखना भी पड़ेगा अगर टिकना है तो। और फिर सौंदर्या ने भी अब्दू की बात मानी, ऐसा नहीं कि अब्दू की बात सुनी और बस जाने दिया, वो भी उठी बेड से और फिर बाहर आ गई, क्योंकि अब्दू ने कहा था ना डोंट सिट अलोन, बस सौंदर्या भी बाहर आ गई। तो ऐसा है छोटा सा अब्दू और छोटे से अब्दू की समझदारी के किस्से। कैसा लगता है आपको अब्दू, क्या आप उसे वोट करोगे, क्या आप उसे जिताओगे बिग बॉस 16?